हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल माय द टेकी पर। तो आज प्राइम डे में जबरदस्त तीन मॉडल लॉन्च किए हैं फायरबोल्ट ने। एक है मेवरिक, दूसरा है डैपर और तीसरा है आर। तीनों ही वॉचेस अपने अपने तरीके से नए नए फीचर्स के साथ लैस हैं। किसी में एमोलेड डिस्प्ले तो किसी में हाई रिजोल्यूशन, कोई मेटल बॉडी के साथ आती है तो कोई सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसमें इन तीनों के सारे फीचर्स बता दिए गए, किस तरीके से काम करें बताया गया और साथ में तीनों का कंपेरिजन भी हो गया है। तो मतलब एक तीर से हमने तीन शिकार कर लिए आज के वीडियो, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि कौन सी वॉच आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। साथ के साथ जो इनमें सबसे महंगी वॉच है वो है मेवरिक, जिसका हम गिव अवे भी करेंगे। दो यूनिट्स का गिव अवे करेंगे, दो यूनिट हमारे पास आई है। एक हम करेंगे यूट्यूब चैनल पे गिव अवे और दूसरा करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशंस आगे आपको बता दी जाएंगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मेवरिक की बात करते हैं दोस्तों, दो बटन देखने को मिलते हैं। फंक्शनल क्राउन बटन है, दूसरा पुश बटन है जो स्पोर्ट्स मोड के लिए यूज होता है। बाकी देखिए ऊपर तक मेटल लगाया गया ताकि स्क्रीन जो है प्रोटेक्टेड रहे, बाकी डैमेज होने से बची रहे। नीचे जो आप इग्नाइट वगैरह लिखा देख सकते हैं। साइड में स्पीकर ग्रिल दी गई है। उसके अलावा बैग की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बैग देखने को मिले थे। सेंसर भी काफी अच्छे लगे, तो होपफुली एक्यूरेसी अच्छी देखने को मिलेगी। स्ट्रैप इसके अंदर जो है रिप्लेसेबल 22 mm का देखने को मिलता है और पूरा स्टील का स्ट्रैप है। और ये इसमें थोड़ा बाल बाल फंसने का चक्कर रहता है, लेकिन वैसे काफी बढ़िया लुक। डिस्प्ले की बात करते हैं, इसमें 2.02 इंच का हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है 320x385 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में। आर्क की बात करें तो देखिए इसमें भी दो बटन देखने को मिलते हैं। फंक्शनल क्राउन बटन है, दूसरा पुश बटन दिया गया। स्पीकर ग्रिल साइड में आप देख सकते हैं। कर्व्ड डिस्प्ले इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे इससे लुक काफी जबरदस्त हो जाती है। और पीछे जो है ग्लॉसी बैक दी गई है इसके अंदर, ग्लॉसी फिनिश में। स्ट्रैप इसके अंदर जो 20 mm का सिलिकॉन का स्ट्रैप दिया गया है, जो कि पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। उसके अलावा डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके अंदर 1.96 इंच का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 410x502 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में। मेटल केसिंग के साथ ये वॉच आती है। डायपर का तो बिल्कुल अल्ट्रा डिजाइन है, और इसमें भी दो बटन, एक फंक्शनल क्राउन बटन, एक पुश बटन। पूरी की पूरी मेटल बॉडी दी गई, ऐसा लगता है टाइटेनियम की बनी हो, लेकिन है नॉर्मल स्टेनलेस स्टील डिजाइन। इसमें भी स्टील का स्ट्रैप देखने को मिल जाता है और पूरी की पूरी आप डिस्प्ले का साइज भी देख सकते हैं, काफी बढ़िया दिया गया है। ग्लॉसी फिनिश में जो है बैग दी गई, जो काफी प्रीमियम फील कराती है। स्ट्रैप की बात करें तो इसमें रिप्लेसेबल हम खुद नहीं कर सकते, दुकान से चेंज कराना पड़ेगा। 22 mm के लगभग का स्ट्रैप इसमें दिया गया है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 2.15 इंच का हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले देखने को मिलता है 320x384 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ में। डैपर और आर्क के अंदर जो है हमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं मेवरिक के अंदर जो है हमें पोको पिन चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। वेट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे डैपर का वेट निकल के आता है 116 grams, मेवरिक का वेट निकल के आता है 106 grams और सिलिकॉन स्ट्रैप वाली आर्क का वेट निकल के आता है जस्ट 58 ग्राम। बाकी पहन के देख लेते, देखिए आर्क पहनी हुई है, काफी अच्छी लग रही है। और सबसे अच्छी बात है इसका कर्व डिस्प्ले, उससे लुक काफी अच्छी आती है इस वॉच की निकल के। और रिस्ट डाउन करते इसका डिस्प्ले बंद हो जाता है, और रिस्ट उठाते देखिए काफी फास्ट रिस्पॉन्स है, आधे सेकंड से भी कम टाइम में जो है डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो ये जो नीचे करने पे डिस्प्ले बंद होता है, उससे बैटरी काफी ज्यादा सेव हो जाती है। ये जो है मीडियम और बड़ी रिस्ट पे काफी ज्यादा सूट करने वाली है। फिर बात करते हैं मेवरिक की, देखिए डायल इसका भी काफी बड़ा है, तो मीडियम और बड़ी रिस्ट पे ये सूट करने वाली है। सबसे अच्छी बात है इसका जो स्ट्रैप है एडजस्टेबल है, आप इसको यहीं से खुद एडजस्ट कर सकते हैं। दिक्कत ये कि इस टाइप के स्ट्रैप में जो है अगर आपकी रिस्ट पे बाल है तो आपको वैक्सिंग यहाँ पे करानी पड़ेगी, बाल काफी फंसते हैं। बाकी रेजिस्ट वेकअप का रिस्पॉन्स देखिए इस वॉच का भी काफी बढ़िया है। रिस्ट डाउन करने पर इसका डिस्प्ले जो है बंद नहीं होता, वो अपने आप ही होता है। बाकी रेजिस्ट पे वेकअप का रिस्पॉन्स चेक करें तो इस वॉच का भी काफी अच्छा है, लगभग 0.75 सेकंड में डिस्प्ले ऑन होता है। फिर बात करते हैं देखिए डैपर की, तो ये भी काफी अच्छी लगती है। इसकी लुक्स जो है मुझे इन तीनों वॉचेस में सबसे अच्छी लगी है, क्योंकि ये जो बॉडी है इसकी काफी ज्यादा तगड़ी, बिल्कुल अल्ट्रा लुक में बनाई गई है। काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग भी बिल्ड है स्मार्ट वॉच की। और इसमें भी जब रिस्ट डाउन करते हैं डिस्प्ले बंद हो जाता है, और उठाते हैं डिस्प्ले सबसे जल्दी इसी का रिस्पॉन्स है, 0.25 सेकंड में इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। तो इसका भी डायल बढ़ा है, तो भी मीडियम और बड़ी रिस्ट पे अच्छे लगने वाली है। इसके साथ स्ट्रैप एडजस्टमेंट टूल नहीं मिला है, तो आपको खुद ही किसी शॉप वॉप से जाके इसको एडजस्ट कराना पड़ेगा। डैपर के अंदर जो है 6 मेन्यू स्टाइल्स दिए गए हैं, आर्क के अंदर जो है 5 मेन्यू स्टाइल्स दिए गए हैं, और मेवरिक में सबसे ज्यादा जो है 8 मेन्यू स्टाइल्स दिए गए हैं। पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आर्क और डैपर के अंदर दिया गया है, जो कि मेवरिक में मिसिंग है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो डैपर में 60 सेकंड तक का स्क्रीन ऑन टाइम दिया गया है, आर्क के अंदर जो है 20 सेकंड तक का स्क्रीन ऑन टाइम दिया गया है, और मेवरिक के अंदर 30 सेकंड तक का स्क्रीन टाइम दिया गया है। आर्क और डैपर के अंदर देखिए काफी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है स्क्रीन ऑन टाइम से रिलेटेड, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते, जो कि मेवरिक में मिसिंग है।
डैपर के अंदर देखिए आप ये वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं कॉल आने पे जो रिंगटोन बजता है, रिंगटोन भी जो है कस्टमाइज़ करके चेंज कर सकते हैं। देखिए आप रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं, अलार्म का रिंगटोन क्या बनना चाहिए, नोटिफिकेशन का, ये काफ़ी अच्छे फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। सेम देखिए मैवरिक में भी ये सेटिंग दी गई है, वाइब्रेशन के जो इंटेंसिटी है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मोड सेट कर सकते हैं कि भैया कॉल चाहिए या रिंग चाहिए, लेकिन ये सारे फीचर जो है आर्क में मिसिंग है। तीनों ही वॉचेस में देखिए दोस्तों वॉच के अंदर जो है अलार्म लगा सकते हैं और इनको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, किस किस दिन का लगाना है वो भी शेड्यूल कर सकते हैं। तीनों ही वॉचेस के अंदर देखिए हमें वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तीनों ही वॉचेस में देख सकते हैं आप कैलकुलेटर का भी सपोर्ट दिया गया और काफी बड़े बटन थे तो चलाने में काफी आसानी होगी। तीनों ही वॉचेस में देखिए क्यूआर कोड लगाने का भी ऑप्शन है, तो अपने सारे फेवरेट क्यूआर कोड जो है इसमें सेव कर सकते हैं। और ये होम स्क्रीन पे विजेट्स का भी ऑप्शन देखिए तीनों ही वॉचेस में मिल जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो इनमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा रीसेंट ऐप्स को एक्सेस करने का जो शॉर्टकट दिया गया वो डैपर और आर्क में दिया गया है, जो कि मैवरिक में मिसिंग है। डैपर के कंट्रोल सेंटर की बात करें तो देखिए यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं, बैटरी परसेंटेज वगैरह, फ्लैश लाइट, एनएफसी सेटिंग्स वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वहीं आर्क का जो कंट्रोल सेंटर है मुझे ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसके अंदर जो है फॉन्ट बड़े बड़े हैं, कलर भी अच्छे निकल के आ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और वहीं सिंपल सा कंट्रोल सेंटर हमें मैवरिक में देखने को मिल जाता है, जो स्टैंडर्ड डीए फिट की वॉचेज में देखने को मिलता है। उसके अलावा डैपर और मैवरिक में स्पीकर ड्रेन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखिए आउटडोर विजिबिलिटी किसी वॉच में स्पेसिफाई नहीं की, लेकिन आर्क की काफी अच्छी है, लगभग 500 निट्स की ब्राइटनेस में हमें देखने को मिल रही थी, आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहीं डायपर की बात करें तो इसकी भी देखिए विजिबिलिटी काफी बड़ी, और ये डायरेक्ट सनलाइट की पिक्चर्स है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा कम लग रहा होगा आपको, लेकिन काफी तेज ब्राइटनेस है। मैवरिक की विजिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लगी, और मैंने जो है इंडोर के सारे वीडियोज जो है वो शूट किए हैं आधी ब्राइटनेस पे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी अच्छी होगी। डस्टर वाटरप्रूफिंग की बात करें तो IP68 पे आती है डायपर, IP67 पे आती है मैवरिक, और सबसे कम IP65 जो आजकल कोई नहीं देता यार उस पे आर्क आ रही है। लेकिन नॉर्मल स्प्लैशेज जो है तीनों वॉचेज झेलेंगे, स्विमिंग के लिए तीनों ही वॉचेज आइडियल नहीं है। डैपर के अंदर देखिए हार्ट रेट, ECG, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, SpO2, साथ के साथ इसमें थर्मोमीटर का भी ऑप्शन जो है दिया गया है। मैवरिक के अंदर देखिए हार्ट रेट दिया गया है, SpO2 दिया गया है, साथ के साथ ब्लड प्रेशर मॉनिटर का भी फीचर दिया गया है। वहीं आर्क भी पीछे नहीं, आर्क के अंदर भी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, SpO2, स्ट्रेस मॉनिटर जैसे फीचर दिए गए हैं। अब जरा सरफेस का हार्ट रेट मॉनिटर चेक करके देखते हैं दोस्तों, तो तीनों वॉच का मैंने चला दिया है, आर्क ने सबसे पहले मना किया है और डैपर में भी जो अभी है चल रहा है, और यहाँ पे मैवरिक ने भी मना कर दिया है, और डैपर में देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। डैपर ने ही मना कर दिया, तो तीनों वॉचेस का मतलब सेंसर जो है काफी अच्छा लगा हुआ है। आर्क के तो हार्ट रेट मॉनिटर ने बहुत निराश किया, मैंने 3-4 बार मॉनिटर किया लेकिन हमेशा 25-30 रीडिंग्स का जो डिफरेंस देखने को मिला, थैली भी नहीं थी कोई सेंसर्स के पीछे। मैवरिक की हार्ट रेट की बात करते हो काफी जबरदस्त रीडिंग्स निकल के आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, काफी बढ़िया एक एक पॉइंट का डेटा मैच है, और सेम डैपर के साथ भी, और डैपर की भी हार्ट रेट के जो रीडिंग्स थे हद से ज्यादा मैच हो रहे थे ऑक्सीमीटर से, मतलब मजा आ गया देख के। SpO2 की रीडिंग्स की बात करूँ तो तीनों ही वॉचेस में एक दो पॉइंट्स का फर्क आ रहा था। वैसे भी हम आपको बोलते हैं यार कि SpO2 की रीडिंग्स पे रिलाई मत किया करो, स्मार्ट वॉच में कब कुछ गड़बड़ हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो बाकी हार्ट रेट जो है उसमें निराश किया है आर्क ने। स्पोर्ट्स मोड की बात करें तो देखिए डैपर में 105 स्पोर्ट्स मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कस्टम गोल्स का भी ऑप्शन आ जाता है, इसमें आप कस्टम गोल्स लगा सकते हैं। उसके बाद किसी भी स्पोर्ट्स मोड में आप क्लिक करेंगे तो वो देखिए डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है, और कुछ ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टेप काउंट भी इसमें अवेलेबल रहता है। सबसे अच्छी बात यह कि इसके अंदर कनेक्टेड GPS का भी सपोर्ट दिया गया, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपको वर्कआउट का रूट मैप वगैरह देखना है तो आप जो है ऐप में जाके उसको स्टार्ट कर सकते हैं GPS को, और फिर उसके बाद वहां से स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट हो जाएगा वॉच के अंदर। वही आर्क की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर 100+ स्पोर्ट्स मोड का हमको सपोर्ट देखने को मिला, तो इसके अंदर भी कनेक्टेड GPS है, तो जो भी आप वर्कआउट करेंगे उसका रूट मैप आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है अगर ये बटन दबाते हैं तो यहाँ पे कोई कस्टम गोल्स वगैरह का हमें ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, डायरेक्ट जो वर्कआउट जो है स्टार्ट हो जाता है, और वर्कआउट स्टार्ट होने के बाद आप ये कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। वहीं मैवरिक की बात करें तो इसके अंदर 128+ स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है, और एक कैटेगरी वाइज है, जिस कैटेगरी में आप जाएंगे वहां का स्पोर्ट्स मोड खोलेंगे। जैसे हम वॉकिंग में जाते हैं तो यहाँ पे भी देखिए आपके पास गोल सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये चारों गोल्स हैं, किसी को भी आप सेट करके वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं, और वर्कआउट सीधा स्टार्ट करने के बाद देखिए इसमें कोई GPS का ऑप्शन नहीं दिया गया, कनेक्टेड GPS वगैरह का, और कुछ इस तरीके से जो स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिल जाती है। स्टेप काउंट एक्यूरेसी की बात कर दोस्तों, मैं 500 स्टेप चला तो आर्क ने 475 कैप्चर किए, मैवरिक ने सबसे बढ़िया 499 एंड डैपर ने 466 स्टेप्स कैप्चर किए।
पेयरिंग की बात करें, देखिए जो मेवरिक है वो चलती है DFIT एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे मैंने इसको पेयर कर लिया। सारे काम के फीचर्स इस ऐप में दिखाए थे, मेरे चैनल में इनका डेडिकेटेड वीडियो भी DFIT ऐप को कैसे यूज करना है आप कर सकते हैं। फेवरेट कॉन्टैक्ट्स की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हम 8 फेवरेट कॉन्टैक्ट ही ऐड कर सकते हैं मैवरिक के अंदर। डैपर जो है वो FB एक्टिव एप्लीकेशन पर चलती है, जो कि काफी रिफाइंड एप्लीकेशन है, काफी सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऐड का बटन दबाते हैं कि किसी भी कॉन्टैक्ट को ऐड करें, बता देगा कि भैया इसमें टोटल जो है हम 300 फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट ऑल करता हूं तो यहां पे मैसेज आ जाता है कि ऐड अप टू 300 कॉन्टैक्ट। एप्लीकेशन की बात करें तो वॉच चलती है स्मार्ट टाइम प्रो एप्लीकेशन पे, जो कि फायरबोल्ट काफी टाइम से यूज। उसके अलावा फेवरेट कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो इसमें एक बार में 20 फेवरेट कॉन्टैक्ट्स आप लगा सकते हैं। गेम्स की बात करें तो देखिए मेवरिक में और आर्क में एक एक ही गेम देखने को मिलती है। वहीं पे भंडार मिल जाता है हमको डैपर के अंदर। मोशन सेंसर गेमिंग का सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर हम गेम्स की बात करें तो इसके अंदर 45 मोशन सेंसर वाली गेम है। आप डांस की जा सकते हैं, कैजुअल गेम्स में जा सकते हैं, फिटनेस गेम्स में भी जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ गेम्स जो है या ऐप मार्केट में भी दी गई हैं, आप इनको भी इंस्टॉल कर सके खेल सकते हैं, काफी बढ़िया चीज है। आर्क की बात करें तो इसमें भी आवाज बढ़ा के देखते हैं तो यहाँ काफी अच्छी तेज आवाज हमें देखने को मिल रही है। इसमें कॉल स्विच का भी ऑप्शन दिया गया दोस्तों। और भाई मैवरिक की बात करें तो इसकी भी आवाज काफी तेज है, इसकी आवाज इनफैक्ट इन तीनों में सबसे ज्यादा तेज है। कॉल स्विच का भी ऑप्शन दिया गया है। और डैपर की आवाज देखिए काफी ज्यादा तेज आ रही है, काफी क्लियर क्रिस्प आवाज है इसकी भी, तो कॉलिंग एक्सपीरियंस तीनों का काफी बढ़िया है। डैपर की जो वो ऐप है FB एक्टिव, उसके अंदर जो है आप सारी की सारी आपके मोबाइल के अंदर जो ऐप्स हम सबका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, जिसको भी सेलेक्ट करें उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वहीं अगर आर्क की बात करें तो उसकी जो एप्लीकेशन स्मार्ट टाइम प्रो, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया, सारी की सारी आपके मोबाइल की ऐप दिख जाते हैं, जिसको सेलेक्ट करें उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैवरिक की जो DFIT एप्लीकेशन है उसमें फैसिलिटी नहीं है, सेलेक्टेड ऐप्स का नोटिफिकेशन है। बाकी आप अदर्स पे क्लिक कर देंगे तो बहुत झमेला हो जाता है, और वॉच के अंदर कुछ भी हलचल हो रही होगी उसका नोटिफिकेशन आने लग जाता है। नोटिफिकेशन की बात करें तो DFIT पे चलने वाली मेमोरी के अंदर जो है लगभग 10 से 12 लाइन का इंग्लिश नोटिफिकेशन आ जाता है। नोटिफिकेशन की बात कर तो देखिए मेमोरी में जो है हिंदी नोटिफिकेशन का भी सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि DFIT पे चलती है। उसके अलावा इंग्लिश नोटिफिकेशन भी इसमें लगभग 10-12 लाइन का पढ़ सकते हैं। आर्क की बात करें तो उसमें ज्यादा बढ़िया से हिंदी नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, और इंग्लिश का जो मैंने बड़ा नोटिफिकेशन भेजा था वो भी देखिए 6, 7, 8, 9, 10 लगभग सेम लाइन का जितना हमें मैवरिक में देखने को मिलता है 8-10 लाइन का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे डैपर ने थोड़ा निराश किया कि हाई के मैसेज के अलावा इतने सारे मैसेज भेजे हैं, कोई आ ही नहीं रहा है इसके अंदर, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बिल्ट इन वॉच फेस की बात करें दोस्तों तो 6 वॉच फेस जो है मैवरिक में हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि बढ़िया है, लगाने में कलर अच्छा है। और अगर हम ऐप की बात करते हैं तो ऐप के अंदर जो है 125 प्लस वॉच फेस हमें देखने को मिल जाते हैं। कस्टम वॉच फेस का भी सपोर्ट इसमें दिया गया, और काफी सारे कलेक्टेडली अच्छे वॉच फेस इसमें दिए गए हैं। डैपर के अंदर देखिए बिल्ट इन 18 के करीब वॉच फेस दिए गए हैं, और देखने में ये भी काफी अच्छे लगते हैं। अगर आप इनको लगाएंगे तो काफी अच्छे निकल के आते हैं, वॉच की लुक के साथ जो काफी ज्यादा मैच करते हैं। और अगर हम मोबाइल ऐप की बात करें तो भाई इसका तो मुकाबला नहीं है, 500 प्लस वॉच फेस का सपोर्ट इसके अंदर दिया गया है। आप पागल हो जाएंगे लगाते लगाते, ढूंढते ढूंढते, लेकिन वॉच फेसेस जो है खत्म नहीं होंगे, हर कैटेगरी के वॉच फेस देखने को मिल जाते हैं। आर के अंदर जो है बिल्ट इन 8 वॉच फेसेस का जो है सपोर्ट दिया गया है, जो कि लगाने में भी काफी बढ़िया लगते हैं, इसके लुक पे सूट करते हैं। और वॉच फेसेस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी ऐप के अंदर 180 प्लस वॉच फेसेस का सपोर्ट दिया गया है, तो ये काफी बढ़िया लगते हैं लगाने में, और काफी नए नए डिजाइन के वॉच फेस यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके अलावा AI वॉच फेस का भी सपोर्ट इसके अंदर दिया गया है, तो आप जैसे कुछ भी नाम टाइप करेंगे तो उससे रिलेटेड जो है आपको वॉच फेस एक एनिमेटेड बना के दे देगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से पिक्चर आते हैं जिसको आप ऐसे वॉच फेस यूज कर सकते हैं। डैपर में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक वॉच फेस देखने को मिलता है, आर्क के अंदर हमें 2 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, और मैवरिक में जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं दिया गया है। बाकी आपको ऐसे फीचर बता दूं जो डैपर में और किसी और वॉच में नहीं, जैसे कि ECG मैंने बताया था जो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा वॉइस रिकॉर्डर भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, ई-बुक भी आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं, मैंने एक बुक डाली थी इसके अंदर, देखिए वो ऐप के थ्रू डलती है, इस टेक्स्ट में आती है। लेकिन हाँ ये फीचर है, अगर आप कुछ बड़ी सी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन आपको एक बार में पढ़ के ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बुकमार्क वगैरह का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए मैंने एक बहुत बड़ी बुक जो है इसके अंदर डाउनलोड करके डाली थी। बाकी मसाज का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया जो किसी वॉच में नहीं है, कंपास का भी ऑप्शन दिया गया, लेकिन एक कंपास जो है चल नहीं रही है, जैसे इसको ऐसे ऐसे करके कैलिब्रेट करना है, तो मैंने बहुत बार ट्राई किया
ओहो बोतल ही गिर गई। तो ये कैलिब्रेट करने के बाद भी है बहुत बार जो है काम नहीं किया, चला नहीं है। उसके अलावा थर्मोमीटर भी किसी भी वॉच में नहीं दिया गया है। सेटिंग्स में जाते हैं तो आप यहाँ यूजर में जाके भी अपना डेटा देख सकते हैं, ये भी दोनों वॉचेज में ऑप्शन नहीं है। उसके अलावा ऊपर को स्वाइप करते हैं तो ये कुछ डायनामिक आइलैंड टाइप का खुल जाता है, जैसे रीसेंट टैब्स का शॉर्टकट है ये भी यहाँ से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ खास फीचर हैं जो बाकी दोनों वॉचेज में देखने को नहीं मिलते। आर्क के अंदर अब बात करते हैं ऐसे फीचर जो दोनों वॉचेज में से किसी के अंदर नहीं है, तो उसमें से एक आ जाता है स्ट्रेस मॉनिटर। उसके अलावा कैलेंडर का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, एसओएस भी इसके अंदर आप भेज सकते हैं जो कि दोनों वॉचेज में नहीं है। वर्ल्ड क्लॉक और स्टॉक मार्केट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये कुछ खास फीचर है। प्लस इसका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो भी कलर में आता है, तो ये भी दोनों वॉचेज में अवेलेबल नहीं है। बैटरी बैकअप की बात करें दोस्तों, तो जो डैपर का बैटरी है वो सबसे कम चल रही है, एक दिन चलेगी अगर आप हैवी यूज़ करेंगे, और 1.5 से 2 दिन चलेगी खींच तान के नॉर्मल यूसेज में। मैवरिक की बैटरी ठीक है, 2 से 3 दिन हैवी यूसेज में चल जाएगी, और नॉर्मल में 4 से 5 डेज। आर्क की बैटरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, हैवी यूसेज में 3 से 4 दिन और नॉर्मल यूसेज में 5 से 6 दिन या ज़्यादा भी चल सकती है। आर्क का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बढ़िया है। तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा दोस्तों, आर्क का सरप्राइजिंगली प्राइस जो है सबसे कम रखा है कंपनी ने, तो ये मुझे थोड़ी सी हैरान हुई देख के। सिर्फ 1699 आपको एमोलेड डिस्प्ले वाली वॉच मिल रही है, और इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा बेटर है इन तीनों वॉचेस में एमोलेड होने की वजह से। प्लस इसका क्राउन बटन भी काफी अच्छे से काम कर रहा है, सिर्फ एक हार्ट रेट मॉनिटर ने थोड़ा सा निराश किया, वरना एक कंप्लीट स्मार्ट वॉच आप इसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। वॉच फेस भी काफी सारे दिए गए हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा और ऊपर का प्राइस है वो डैपर का रखा गया है। डैपर की जो बिल्ड क्वालिटी और लुक्स मुझे सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी इन तीनों की बात करूं तो, और ऊपर जो अल्ट्रा वाला डिजाइन दिया गया इससे जो इसकी लुक्स काफी अच्छी निकल के आती है, और फीचर इसमें सबसे ज्यादा इन तीनों वॉचेस के अंदर। ड्रॉबैक ये है कि इसकी बैटरी बहुत कम चलती है, एक दिन ही चलेगी इसकी बैटरी, उसके अलावा कोई खास इशू इसमें दिखाई नहीं दिए। और फिर बारी आती है मैवरिक की, मुझे समझ नहीं आया मैवरिक का प्राइस इतना ज्यादा क्यों रखा गया 2500। मे बी इसका जो स्टेनलेस स्टील बॉडी हो सकती है, लेकिन ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, क्योंकि सिर्फ हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ आ रही है और 2800 रुपए इसका प्राइस है। तो आई थिंक बिल्ड क्वालिटी इसकी ज्यादा बेटर होगी इनसे, कुछ ज्यादा बढ़िया मेटल यूज किया होगा, वरना मेरे हिसाब से आर्क का प्राइस ज्यादा होना चाहिए था, जिसका प्राइस इन्होंने सबसे कम रखा है। तो तीनों वॉचेस के आपने प्रोज एंड कॉन्स देख ही लिए थे। मेरे हिसाब से अगर बात करें तो आर्क इनमें जो है सबसे तगड़ी लगी मुझे परफॉर्मेंस के मामले में, उसके बाद जो है मुझे अच्छी लगी मैवरिक, और अगर बैटरी सही चलती और थोड़ा यूआई अच्छे से काम करता तो मैं डैपर को भी पूरे मार्क्स देता, क्योंकि पहनने में बड़ी अच्छी है लेकिन बैटरी सिर्फ एक दिन चल रही है तो वहां आपको दिक्कत हो जाएगी। बाकी गिव अवे के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर देना, इन वॉचेस के रिलेटेड कुछ भी कमेंट कर दो, फिर हम रैंडम पिकर के थ्रू एक महीने बाद जो है रिजल्ट अनाउंस करेंगे। प्लस दूसरा आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, जो मेरा अकाउंट है मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे भी मैं इसका जो है एक पोस्ट डालूंगा, उस पोस्ट के ऊपर आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है और कुछ भी कमेंट कर देना इन वॉचेस से रिलेटेड। और सेम डे जो है हम यूट्यूब के गिव अवे विनर्स और इंस्टाग्राम के गिव अवे विनर्स को अनाउंस करेंगे। फिर आपका भी क्वेश्चन है कमेंट इन वॉचेस रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। बाय बाय।